वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं कोलकाता स्टाइल शादियों में बनने वाली चिकन चाप बनाने वाली हूँ। यह मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है, एक ब्रेस्ट पीस और एक लेग पीस लिया है। इस तरीके से कट लगा लिया है मैंने। उसमें दो बड़े साइज का प्याज को कट कर लिया है, बारीक पीसना है। ये मावा है, ये होममेड मावा है। अगर आप सबको होममेड मावा की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसकी रेसिपी मैं ज़रूर कोशिश करूंगी डालने की। ये खरबूजे का बीज है जो 1 टीस्पून मैंने भिगो दिया था, 2 घंटा पहले ही भिगोने को रखा था। ये थोड़े ड्राई फ्रूट है, थोड़ा काजू और थोड़े बादाम मैंने वो भी भिगो दिया था 2 घंटा पहले। 1 टीस्पून खसखस है, इसे पोस्ता दाना भी कहते हैं, इसे भी मैंने 2 घंटा पहले ही भिगो दिया था। ये मैंने 100 ग्राम दही लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक जो अपने स्वाद के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। ये मीठा अतर है, अगर आप सबके पास ये नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी 2 या 3 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। ये सूखे मसाले हैं जो मैं आपको डालते समय बता दूंगी। सबसे पहले हम खरबूजे का बीज, काजू बादाम और खसखस का एक पेस्ट बना लेंगे, एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। काजू बादाम, खसखस और खरबूजे के बीज का एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। ये मैंने प्याज भी अच्छे से पीस लिया है। ये मावा है, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। ये मावा मैंने ग्रेट करके ले लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में दही डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 स्पून, आधा टीस्पून हल्दी, ये तीखी लाल मिर्च है ये भी आधा टीस्पून, ये कश्मीरी लाल मिर्च ये भी आधा टीस्पून ले लिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने गरम मसाला लिया है, ये होममेड गरम मसाला है। आधा टीस्पून जीरा और काली मिर्च, वन टीस्पून नमक, सबको अच्छे से मिक्स कर लें। ये खाने वाला इतर है, अब यूज करेंगे। स्किप भी कर सकते हैं आप। प्याज जो पीस के रखा था वो भी मिक्स कर दिया है। ने ड्राई फ्रूट और खसखस का पेस्ट बना के रखा था वो भी डाल देंगे। मावा ग्रेट कर रखा था वो भी डाल देंगे। ये मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है,
अभी हमने मिक्स करके रखा था। अच्छे से पोंछ के डालेंगे। अच्छे से चिकन में जहाँ जहाँ कट लगा है अच्छे से मसाला लगा देंगे। अच्छे से मसाला लगा दिया है चिकन में, अभी इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। चलिए 1 घंटे के बाद मिलते हैं। 1 घंटा हो चुका है, चलिए अब देख लेते हैं। चलिए अभी इसको पकाना शुरू करते हैं हम। 1 टीस्पून हम घी यूज करेंगे। फिर रिफाइन ऑयल, एक बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल भी मिक्स करेंगे साथ में। घी यूज करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसी तेल में डाल देंगे। अभी चिकन चाप बनाने के लिए हमेशा ऐसा खुला हुआ बर्तन यूज करें। चलिए अभी चाप में ढक्कन ढक देते हैं। गैस मीडियम, स्लो टू मीडियम में रखेंगे गैस। 5-5 मिनट में चेक करते रहेंगे। 5 मिनट हो चुका है, एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छे से गल चुका है, देख सकते हैं आप सब। अभी और 5 मिनट पकाना है मुझे। ये ढक्कन ढक के और 5 मिनट पका लेंगे। ढक्कन बंद किए मुझे 10 मिनट के आसपास हो चुका है। चाप तैयार हो चुका है। मुझे 1 घंटा मैरिनेट करने के बाद 15 मिनट सिर्फ पकाना है आपको, चाप तैयार हो जाएगा। और आप लोग रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा बना। अगर आप सबको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चाप को सर्व कर लेते हैं। चाप मैंने सर्व कर लिया है, कैसा बना है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।